हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सपोर्ट टू लर्न। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए जो महत्वपूर्ण सूचना ये है उसके बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल सपोर्ट टू लर्न को सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये राजस्थान पुलिस के लिए जो महत्वपूर्ण सूचना ये है उसकी दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की कटिंग है, जिसमें बताया गया है कि कांस्टेबल भर्ती के लिए वैकेंसी जिला स्तर पर निर्धारित होगी, अक्टूबर तक पूरी होगी भर्ती प्रक्रिया। डीजीपी ने बताया है कि जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है वो अक्टूबर तक पूरी होगी। जैसा कि इस न्यूज़ में बताया है, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की घोषणा के बाद 5000 पदों पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के आयोजन के लिए पुलिस मुख्यालय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुलिस मुख्यालय ने 8000 से ज़्यादा पदों पर होने वाली भर्ती के आधार पर जिला स्तर पर वैकेंसी निर्धारित कर दी थी, लेकिन पदों में संशोधन होने के बाद अब 5000 पदों को जिला स्तर पर वैकेंसी के आधार पर निर्धारित किया जा रहा है। यह प्रक्रिया इसी सप्ताह में पूरी हो जाएगी। इसके बाद में भर्ती प्रक्रिया का स्थायी आदेश जारी होगा। वैकेंसी निर्धारित करके रिपोर्ट सरकार को भेज दी जाएगी। इसके बाद सरकार से मंजूरी मिलते ही आवेदन मांगे जाएंगे। डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव ने बताया कि अक्टूबर माह तक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद 5000 पदों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। तो दोस्तों, इस न्यूज़ में बताया गया है कि जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है वो अक्टूबर माह तक पूरी हो जाएगी, और अक्टूबर के बाद 5000 पदों की जो नई भर्ती निकली है उसके लिए आवेदन स्टार्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप तैयारी करते रहिए, और इससे रिलेटेड और न्यूज़ प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सपोर्ट टू लर्न से बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।